अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप भी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और ये सुहाना, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो भाई हम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ से कुछ हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल हालात अच्छे नहीं है। और व्लॉग व्लॉग वाकई मुझे कहते हैं कि आप ना आजकल व्लॉग नहीं डालती हो, तो बंदा क्या व्लॉग डाले? अपनी सोचों से ही हम लोग बाहर नहीं निकल पाते, व्लॉग क्या डाले। तो बस खैर मेरे हालात तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है, बट हमारे यहाँ के, हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है। बारिश माशाल्लाह से लगातार हो ही रही है, और बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान, बारिशों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए हैं, और काफ़ी जगहों पे सैलाब भी आए। तो बलूचिस्तान में तो शदीद सैलाब आया, जिसकी वजह से बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान, माली नुकसान, और सिंध की तरफ भी आया है, पंजाब की तरफ भी आया है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं, और बस नुकसान देखा कि लोगों को फिर भी ना इबरत हासिल नहीं है। लोगों को कहने को बस कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, इसके बावजूद भी इतना सब कुछ। तो सबसे पहले तो हम अपनी हुकूमत की बात करेंगे कि हमारे यहाँ की हुकूमत किसी भी चीज़ में, कोई भी हुकूमत हो, चाहे खान साहब की हो, चाहे जरदारी की हो, चाहे किसकी भी हो, कोई भी हुकूमत किसी भी शोबे में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी। कोई चीज़ ही कवर नहीं होती। अब जैसे कि देख लें, जैसे कि बारिश हो रही है तो बारिश इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है, तो हमारा कहना होता है कि या अल्लाह बारिश यहाँ नहीं होती, या अल्लाह बारिश नहीं होती, सूखा है, बारिश नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा, बारिश नहीं है तो सिंध बंजर हो जाएगा, हरियाली नहीं होगी। और जब बारिश होती है तो फिर बस कहते हैं कि बस इनको मौका मिल जाता है, बहाना मिल जाता है कि बारिश हुई है। तो अब रोडों की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो रही है कि आप यकीन माने, जब बाइक पे जा रहे होते हैं ना तो पूरे आधे से ज्यादा कीचड़ हो जाता है। और बाइक क्या, कार चलाने जैसा भी नहीं है। वाकई में किसी ने पिछले व्लॉग में कहा था कि आपके हस्बैंड बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं, तो कार की परवाह नहीं कर रहे। तो यकीन माने हमारी गाड़ी ने भी जो बारिश में भीगी है, मेरा 10,000 का काम हुआ है, 10,000 का खर्चा हुआ है। उसके बाद तो मैंने कहा कि अब बारिश में गाड़ी मत निकालना, लेकिन बारिश में हम गाड़ी ना निकाले। बारिश होने के बाद भी 3-4 महीने तक इतनी यहाँ पे गंद रहती है, इतनी गंदगी होती है। और जिस एरिया में हम रहते हैं, जहाँ पे मतलब आना जाना है, तो वहाँ पे तो इतने ज्यादा से ज्यादा पानी भरे हुए हैं। तो हमारी गाड़ी के साथ साथ बहुत सी लोगों के नुकसान हुए होंगे, जाहिर सी बात है। तो होते हैं, बस कहने गए थे कि ये जगह जगह पे जो है ना कैंप लगे हुए हैं बलूचिस्तान में, जो सिंध की तरफ जो नुकसान हुआ है, तो कैंप लगे हुए हैं। तो कैंप वाले कह रहे हैं कि जो भी हो सकता है, आप लोगों से जितनी भी हो सकती है, तो आप लोग मदद करें। तो चाहे मदद में हमारे पुराने कपड़े हो, या खाने पीने का सामान हो, या राशन की चीजें हो, जो भी हो मदद करें। का ये मतलब है कि कहते हैं ना कि कहने के बाद बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बस इसीलिए बता रहे थे कि शायद ना मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ, तो शायद आप लोग भी सुन के, किसी का दिल होता है ना, किसी का इस तरह होता है कि सुनने देखने के बाद करता है। तो देखने, मैं तो कहूंगी ऐसी है कि ना कि राशन दिया जाए, ना कि बनी बनाई हुई ऐसी चीजें पहुंचाई जाए कि फौरी तौर पे उनको बनाने का, लोग राशन के बोरे भर भर के दे रहे, वहां पे खाना बनाने का इंतजाम नहीं होता है। और ऐसे में कहां बंदा खाना बनाए, अपने घर बार सब तबाही मच चुकी है, तो खाना कहाँ बनाए। तो जिससे जैसी मदद हो सकती तो हमें करनी चाहिए, मेडिसिन हो गई, जो भी हो सकता है तो हमें मदद करनी चाहिए, हमें इस काम में हाथ बटाना चाहिए। तो ना कि फिर से लोग कहेंगे कि देने पे आप कह रही हो, तो बिल्कुल भी, मैं एक बार फिर से बात पे जोर दूं कि मैं बिल्कुल भी दे के बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। और हमने तो कोई बताया नहीं कि हम जो है ना, हमने ये चीज दी है, वो चीज दी है। तो लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसकी जितनी हैसियत है ना, 10 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक, 1,000 से 10,000 तक, तो जो मदद करना चाहे तो कर सकता है, अच्छी बात है। और मुहर्रम का महीना भी, वैसे भी लोग ना नियाजें इतनी ज्यादा करते हैं कि ये वो, तो हम ना ये भी कर सकते हैं कि, और अब तो मुहर्रम स्टार्ट हो गई, लोग नियाजें स्टार्ट करते हैं, तो मुहर्रम हो गई स्टार्ट, तो अब गैस नहीं होगा, गैस शार्ट हो जाएगी। तो हमारे यहाँ की यही मसला है, पता है, अभी अभी जो है ना सब्जियां इतनी ज्यादा सस्ती थी ना, बकरीद के बाद इतनी सस्ती हो गई थी, और अब अचानक से सब्जियों के रेट इतने ऊपर चढ़ चुके हैं। क्योंकि मैं ना ओनली जब से क्लासेस मैंने ज्वाइन की, तो मैं 8 दिन में एक ही बार मार्केट जाती हूँ। तो भाई सैटरडे को तो गए, तो पता चला प्याज 130 की किलो, टमाटर 250 की किलो। तो हमारे यहाँ पे पता है, कभी भी हमारा मुल्क नहीं सुधरेगा, तो मैं कहती हूँ कभी भी नहीं सुधरेगा, जहाँ पे बेईमानी हो, लालच हो, जहाँ पे नहीं सुधरता। रमजान होता है तब महंगाई बढ़ा देते हैं, मौके पे चौका करते हैं। हालांकि इन दिनों में ना हमें थोड़ी बहुत हमें सहूलियत देनी चाहिए, लोगों को थोड़ा बहुत सस्ता करना चाहिए, लेकिन नहीं। तो मोहरम आ गई, चीजें भी महंगी हो गई, गैस भी नहीं है। तो बस कहना तो यही था कि जितना हो सकता है ना, हमें इस काम में मदद करनी चाहिए। कि सुना आप बोल नहीं रही, यही चीजें जो होती है आगे जाके काम आती है, तो अच्छी बात है ये सब कुछ करने। सुना कुछ कहना चाहती हूँ। तो अभी जैसे मम्मा ने कहा बलूचिस्तान में सैलाब आए, तो फिर ना आप लोग से भी जितनी मदद हो पाए, अभी मैं भी कपड़े दूंगी, जैसे मेरे पुराने कपड़े
बिस्किट वगैरह परसों हम लोग न्यास देने जाएंगे, बिस्किट देंगे और चीजें वगैरह देंगे, पुराने कपड़े वपड़े देंगे। ऐसे आप लोग भी ना देते दे तो फिर आप लोग के सवाब होगा और आप लोग जन्नत में जाएंगे। बच्ची की बातों को अच्छा, तो बस कहने का ये मतलब था, मेरा दिल पता है ये फकीर जो आते हैं जाते हैं ना, फकीरों को बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं करता देने को। जहाँ मेरे हस्बैंड भी दे रहे होते हैं तो मैं उनको भी कह रही हूँ कि बिल्कुल भी ना दो, उनको नहीं करता। तो ऐसी जगहों पे हमें लगाना चाहिए कि जहाँ पे देने के बाद, जाहिर सी बात है हम तो अल्लाह को देख के और सवाब की नीयत से और गरीबों की, बस वो गरीबों की मदद करना चाहते हैं और सवाब की नीयत से देते हैं, तो दिखावा तो करना नहीं चाहिए। हम तो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते, इसी वजह से लोगों को लगता है कि हम नियाजें नहीं करते। हम लाइट पे देखा ना, लाइट का झटका हमारा दिख रहा है, हाँ चली गई। यहाँ पे तो हर चीज का इश्यू है, इस मुल्क में तो हर चीज का इश्यू है, कोई एक चीज यहाँ पे सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, कोई बंदा सही नहीं है। मैं तो कहती हूँ हर बंदा मुनाफिक है, हर बंदा गलत है, हर कोई फायदा उठाने वाला है। तो बस अब देखे लोग भी इस वजह से नहीं बन पाते क्योंकि लाइटें पूरा पूरा दिन होती ही नहीं है। तो कुछ लोगों की बस, कुछ लोग है जो मुझे याद करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, तो उनके लिए ही मैं बस थोड़ा सा टाइम निकाल के बनाती हूँ, वरना तो हम इतने बिजी और इतने मसरूफ हो गए कि बस अब पूछे ही मत। क्या बोले, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो उसके लिए फिर से एक बार कहूंगी हेल्प फॉर बलोचिस्तान, जिससे जितनी हो सकती है इतनी हेल्प करें, अच्छा काम है। इस वक्त हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि फकीरों को देने की बजाय, तो इन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको सख्त जरूरत है मदद की। और ऐसी चीज दे, मेडिसन हो ये हो, राशन बिल्कुल भी हरगिज ना दे, ऐसी चीज दे जो फौरन जाके फौरन लगे। तो आज का यही ब्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके अल्लाह। मम्मा।